कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। तुम अगर मार्केट में जाओ और तुम अगर मान लो किसी शॉपकीपर को कहो कि यार थोड़े एक रेजिस्टेंस देना मेरे को, 2 ओम 4 ओम जो भी मांगो, तो आपको एक ना बड़ी पतली सी रेजिस्टेंस देगा, छोटी सी होती है, उस पर ना कलर कोडिंग हुई होती है, रंग बिरंगे बैंड उस पर बने होते हैं, लाल पीले नीले कलर के। तो वो दुकानदार क्या करेगा, वो उसकी शक्ल को देखेगा, रंगों को देखेगा और बता देगा कि अप्रॉक्सीमेट इसकी रेजिस्टेंस इतने के आसपास होगी उन रंगों को देख के। तो इसको कलर कोडिंग बोलते हैं। तो कलर कोडिंग से आप किसी भी रेजिस्टेंस की अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो कलर कोडिंग के लिए आपको ये एक टेबल याद करना है, टेबल का सीक्वेंस चेंज नहीं करना। पहला कलर ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट है। तो ये सीक्वेंस याद करना है। इसको याद करने का तरीका, पहले नंबर याद कर लो बी बी आर ओ वाई जी बी वी जी डब्ल्यू। अब क्योंकि ये बनाया तो अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज तो देखो इंडियन होगा तो वो ऑरेंज है ना, फिर रसबरी, कुछ और पता नहीं क्या क्या नाम देगा। अंग्रेज कहते हैं ऐसे याद कर लो, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, मतलब मुझे ये ना पूछो ऐसा क्यों बोला, उसको पसंद होगी ये कोटेशन, ऐसे बोल दिया। तो पहला कलर ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वॉयलेट है, ग्रे है और वाइट है। तो आपका तरीका याद करने का, कैसे भी याद करें, ये सीक्वेंस बना लें। फिर अगला कॉलम 0 से लेके 9 तक नंबरिंग लिखें, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगले कॉलम में 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 9 लिखें। तो एक टेबल तैयार हो गया। इस टेबल के साथ कुछ टॉलरेंस की वैल्यू गिवन है। टॉलरेंस क्या होती है अभी बताऊंगा, बट गोल्ड की 5% है, सिल्वर की 10% है, कोई कलर नहीं है तो 20% है। इसको यूज़ कैसे करना है अभी बताता हूँ। मान लें आप एक रेजिस्टेंस लेके आए, ऐसे बना के देगा डायग्राम, इसमें कलर कोडिंग हुई हुई थी। कलर कोडिंग कैसे हो रखी है, मान लो ये रेड है, ये मान लो येलो है, सेकेंड कलर येलो है, तीसरा ऑरेंज है और लास्ट गोल्ड है, ऐसे ये गिवन होगा आपको, 4 रंग गिवन होंगे। तो आपने स्टार्ट लेफ्ट से करना है। जो पहले दो कलर हैं, पहले दो कलर, इनका नंबर यहाँ से निकलेगा, तीसरे रंग तीसरा कलर यहाँ से लेना है और चौथा यहाँ से लेना है। देखो कैसे, पहला कलर क्या है, रेड, रेड का नंबर यहाँ से क्या आएगा, 2, तो रेड के नीचे क्या आएगा, 2। नेक्स्ट कलर है येलो, पहले दो कलर यहां से आएंगे, येलो का नंबर क्या है, 4, तो क्या आएगा, 4, तो क्या बना, 24। फिर तीसरे कलर से पहले मल्टीप्लाई लगाना है, मल्टीप्लाई, और ऑरेंज का नंबर कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, यहां से तीसरा नंबर यहां से, तो क्या आएगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। फिर चौथे नंबर से पहले प्लस माइनस लेंगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस कैसे, प्लस माइनस कैसे, आखिरी कलर क्या है, गोल्ड, तो गोल्ड का मतलब क्या है, 5%। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 24 × 10³ प्लस माइनस 5%, यानी कि 24 × 10³ ओम से 5% ज्यादा या 5% कम या उसके बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी, अप्रॉक्सीमेट रेंज है। तो मतलब दो कलर आपने यहां से लेने हैं, तीसरा यहां से लेना है, अगर चौथा रंग नहीं होगा तो फिर उसकी जगह क्या लगा लेना है, 20%। तो जैसे करके देखें, सपोज पहला कलर येलो है, दूसरा कलर मान लो ऑरेंज है, तीसरा रेड है और आगे कोई कलर ही नहीं है, तो बोलो इसमें क्या आंसर आएगा, येलो और ऑरेंज, येलो का मतलब क्या है, 4, ऑरेंज का मतलब क्या है, 3, क्या बनेगा, 43 into नेक्स्ट है रेड, रेड का मतलब 10 की पावर 2 प्लस माइनस कितना, 20%, इतने ओम आंसर होगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी है कलर देख के। CBSE में रिकॉर्ड था पिछले 2 साल, अगर छोड़ दें, एक क्वेश्चन एक नंबर का देते ही देते थे ये, इन्होंने CBSE से हटा दिया इस कोर्स, इस टेबल को देखना तो एक नंबर आपको फिर कमाना पड़ेगा इस लॉजिकल क्वेश्चन से, तो ये हटा दिया। कंपटीशन में नीट और मेज आज भी दे देते हैं कभी कभी, तो आपको टेबल देखना आना चाहिए। तो ये टेबल की वैल्यू है।
क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो टेबल कैसे देखना है, क्लियर है? तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, रेड 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 सिल्वर, तो पहले दो कलर 2 2, तीसरा कलर 10^2 और चौथे में 10%। तो जैसे नेक्स्ट कलर है येलो वॉयलेट ब्राउन गोल्ड, येलो का मतलब 4, वॉयलेट का मतलब 7, 47, ब्राउन का मतलब 10^1 और प्लस माइनस गोल्ड का मतलब 5%। तो इस तरीके से आप कलर देख के रेजिस्टेंस की वैल्यू को, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को मार्क कर सकते हैं। कोई पूछता है कि सर अगर एक ही रंग आया तो नहीं आएगा, 5 रंग आ गए तो नहीं आएंगे, या 4 आएगा या 3 आएगा, यही आंसर आएगा। ठीक, तो ये इसका एक टॉपिक है।